हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कैपिलैरिटी के बारे में कि आखिर में कैपिलैरिटी क्या होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होती है, यहाँ 12 से लेकर यहाँ पे 10 में भी ये क्वेश्चन पूछ देती है। ठीक है, तो उस पर आपको ये क्वेश्चन को कैसे डिलीवर करना है, सबसे पहले आपको छोटी सी यहाँ पे एक यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद दो को डायग्राम को जरूर ड्रॉ करनी है साफ सुथरी, तब जाकर आपको 4 नंबर ये क्वेश्चन को मिलेंगे। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक को यहाँ पे काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं कि आखिर में कैपिलैरिटी होता क्या है। ठीक है, कैपिलैरिटी का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो केशिका होता है। ठीक है, कैपिलैरिटी आखिर में वर्ड आई कहाँ से, तो काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये जो नजर आ रही है एक तरह का क्या है, एक तो लैब में ये होती है जिसको एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी के वर्ड से ही कैपिलैरिटी आई है। ठीक है, तो यहाँ जो कैपिलरी जो है एक तरह का ग्लास की यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसको आप विजल भी बोल सकते हैं, जिसको यहाँ पे एक लैब की भाषा में कैपिलरी बोला जाता है। ठीक है, जो ग्लास की ट्यूब होती है जिसकी यहाँ पे जो डाया होती है, इसकी डायमीटर होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे इसको लैब टेस्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कैपिलरी अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में भी होती हैं, जो हमारे शरीर को में जितनी भी अंग में जितनी भी खून है उसको पहुँचाने का काम करती है एक नस के थ्रू। ठीक है, काफ़ी पतली सी एक वेजल जैसी होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई या कोई प्लांट है तो उसको जड़ों तक और उसके जितनी भी यहाँ पे लीफ तक उसकी यहाँ पे पानी पहुँचाने का काम करती है, जिसको एक तरह का कैपिलरी बोलते हैं, जो एक पतली सी ट्यूब होती है। ठीक है, तो अब हमें इस वीडियो में ये समझते हैं कि आखिर में कैपिलरिटी होता क्या है। ठीक है, तो कैपिलरिटी का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, लिख के बताइए इसकी डिफिनेशन के कैपिलरिटी क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के बताइए। ठीक है, देख सकते हैं इंग्लिश में लिखी हुई क्या है कि द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी या मिनिकस इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है, केशिका एक ऐसी प्रक्रिया है या आप इस क्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक द्रव अपने विशिष्ट गुरुत्व के अनुसार एक कम व्यास की कांच की नली में अपने समांतर स्तर से ऊपर या नीचे चला जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सटीक से भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने दो चीज़ बताई है। ठीक है, पहला चीज़ समझते हैं कि जब हम वाटर लेते हैं, ठीक है, इसका हम डिफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई टैंक है, जैसे कि ये टैंक है, ठीक है, और इसके अंदर कोई वाटर को हम लेते हैं, मतलब कोई जल को लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी अगर हम यहाँ पे कैपिलरी मतलब एक तरह का वेजल को डालते हैं, मतलब ग्लास ट्यूब को डालते हैं, जिसकी डायमीटर काफ़ी कम होती है। ठीक है, जो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं, वेजल के अंदर, मान ली कोई भी टैंक के अंदर पानी भर देते हैं और उसके अंदर ये वेजल को डालते हैं, मतलब एक तरह की कैपिलरिटी को डालते हैं, ग्लास ट्यूब को मतलब डालते हैं, तो क्या होती है कि जो ये वाटर है, ये जो वाटर है देख सकते हैं कि ये वाटर इसके अंदर फिल हो जाती है। फिल होने के बाद देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पे जो लेवल है, ये लेवल की अपेक्षा ऊपर की ओर चली जाती है। देख सकते हैं ये हमारा जो ट्यूब के काफ़ी ऊपर की ओर चलेगी और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी क्या होती है कि यहाँ पे जो ग्लास की जो हमारा जो ट्यूब है, यहाँ पे वाटर इसके ऊपर की ओर पकड़ लेती है, मतलब ऐड हो जाती है, थोड़ा ऊपर की ओर चल जाती है। ठीक है, जब हम वाटर को लेते हैं, इस ट्यूब को लेते हैं और इसके अंदर हम एक यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब को डालते हैं जिसकी डायमीटर काफ़ी कम होती है, तो ऐसा कंडीशन आती है और यहाँ पे जो शेप बनती है, यहाँ पे जो शेप बनती है बिल्कुल कनकेव की तरह बनती है, मतलब एक तरह का कनकेव जो मिरर हम पढ़े हैं उसकी शेप की आकार के बन जाती है, मतलब एक गुफा के आकार की यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनती है देख सकते हैं कि 8 डिग्री बनती है, मतलब जिसको हम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ये जो नज़र आ रही है वाटर और ये जो ग्लास है, जो ग्लास का जो ट्यूब है, इसमें क्या होती है कि एडिसिव जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा होती है,
कोहेसिव फोर्स के अपेक्षा, ठीक है। एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा समझने के लिए बताता हूं कि आखिर में एडिसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। एडिसिव फोर्स में कहने का मतलब क्या है कि उस टाइप के, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप मान लीजिए थिंग समझ सकते हैं, कोई पेन है और ये पेपर है, मतलब हम कोई पेन के सहयोग से या पेंसिल के सहयोग से पेपर के ऊपर लिखते हैं तो आखिर में कैसे इसके ऊपर चिपक जाती है, अगर इसके हम ग्लास के ऊपर ये पेंसिल से लिखेंगे तो नहीं चिपकेगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि पेन प्लस पेपर, मतलब पेन के सहयोग से जो पेपर पर लिखते हैं तो उसमें चिपक जाती है, तो वो फोर्स जो लगती है और आपस में जो चिपकने की जो फोर्स लगती है उसको एक तरह का एडिसिव फोर्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब पानी और कपड़ा, अगर पानी के मुझे कपड़ा के ऊपर अगर पानी फेंकते हैं तो जल्दी से चिपक जाती है, सोख लेती है, ठीक है। तो वहाँ आपस में दूसरे को जो अटैचमेंट होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को, वो फोर्स को एक तरह हम लोग एडिसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि कांच प्लस वाटर, मतलब जैसे कि ये ट्यूब है जो ग्लास की बनी हुई है, वाटर क्या है इसके ऊपर, इसको क्या काम की, पकड़ने की कोशिश की है, इसके ऊपर पकड़ने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इसकी जो पकड़ी हुई काफ़ी यहाँ पे लो टाइप के पकड़ी हुई, मतलब उतनी अच्छी तरीके से नहीं पकड़ी हुई, लेकिन आपस में चिपकने की कोशिश की है, मतलब एक तरह का ऐड होने की कोशिश की है, मतलब एक तरह का एडिसिव फोर्स इसमें लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के कारण क्या होती है कि जब हम यह टैंक के अंदर कोई भी ग्लास ट्यूब को डालते हैं तो इसकी जो पानी की जो लेवल है ऊपर की ओर चली जाती है और यहाँ पे एक तरह का हमारा कनकेव के आकार में एक शेप बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कारण होती है क्योंकि एडिसिव फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होती है वाटर की, ठीक है, कोहेसिव फोर्स के अपेक्षा, ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल को समझते हैं कि आखिर में मरकरी, जब हम वाटर की जगह जब मरकरी लेते हैं कोई टैंक में, जैसे कि टैंक है यहाँ पे हम मरकरी के लेते हैं जिसको हम लोग हिंदी में एक तरह का पारा बोलते हैं, जैसे कि आप कोई भी थर्मामीटर देखते हैं तो उसमें जो एक तरह का लिक्विड होती है एक तरह का मरकरी होती है, ठीक है। तो लिक्विड को हम लोग एक तरह का मरकरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी टैंक में मरकरी को लेते हैं और इसके अंदर एक ट्यूब को डालते हैं जिसको एक तरह का आप कैपिलरी बोल सकते हैं, ये ट्यूब को, या ग्लास ट्यूब भी बोल सकते हैं, जिसकी डायमीटर काफ़ी कम होती है, ठीक है। जैसे ही डालते हैं तो क्या होती है, तो यहाँ पे एक तरह सिकुड़ने लगती है, जैसे कि ये ऊपर की ओर उठ रही थी हमारा एक ग्लास ट्यूब के ऊपर, यहाँ पे चिपकने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो शेप बनती है काफ़ी यहाँ पे नीचे की ओर बनती है, मतलब आपस में सिकुड़ने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसके अंदर दांत जाती है, मतलब पारा के अंदर जो ट्यूब जाती है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर सिकुड़ने लगती है, मतलब इसमें क्या होती है कि ये जो एडेसिव जो फोर्स होती है, ठीक है, इसमें एडेसिव फोर्स काफ़ी कम होती है, इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। जैसे जल प्लस जल, मतलब जो एक जैसे मॉलिक्यूल से आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं और अदर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होती है कि वो आपस में चिपकने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसे सॉलिड प्लस सॉलिड आपस में चिपकेंगे, तो इसमें क्या होती है कि ये एक तरह का क्या ग्लास है, ठीक है, और ग्लास की ट्यूब इसके अंदर जब मरकरी के अंदर डालते हैं तो ये अलग इसकी क्या होती है एक तरह का प्रजाति हो जाती है, तो इसमें चिपकने की कोशिश नहीं करेगी, आपस में ये क्या काम करेगी हमारा मरकरी कि आपस में सिकुड़ने की कोशिश करती है, तो इसकी जो शेप बनती है कॉन्वेक्स बनती है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो बनती है यहाँ से यहाँ लेने के बाद यहाँ पे जो डिग्री बनती है 130 डिग्री तक बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें ये प्रक्रिया, ये आखिर में ये प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है कि आपस में सिकुड़ती क्यों है, इस ग्लास के ये ग्लास के ट्यूब में चिपकती क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है ये मरकरी में, ठीक है, और ये हमारा जो वाटर है इसमें कोहेसिव फोर्स क्या होती है कम होती है, इसीलिए ग्लास ट्यूब में चिपकती है और इसमें ज़्यादा होती है, इसमें इसीलिए क्या होती है कि ये आपस में जो मरकरी है वो आपस में क्या होती है सिकुड़ने की कोशिश करती है, मतलब एक तरह का अपने आप सिकुड़ जाएगी इस टाइप में, ठीक है, और ये वाटर है इस टाइप से दूसरे में चिपकने की कोशिश करेगी, उसमें बढ़िया तरीके से ऐड होने की कोशिश करेगी क्योंकि इसमें एडिसिव फोर्स ज़्यादा लगती है, ठीक है, इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लगती है, इसी कारण आपस में ये क्या काम करती है एक ही जाति का, मतलब जल प्लस जल, मतलब कोई भी अगर लिक्विड है, मतलब वाटर प्लस वाटर आपस में चिपकेगी, चाहे मरकरी है तो मरकरी में आपस में चिपकेगी, चिपकेगी तो क्या होगी सिकुड़ने लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये एक तरह का ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी वाटर टैंक के अंदर वाटर लेते हैं और उसके अंदर एक तरह का हम लोग ग्लास ट्यूब को डालते हैं तो ये क्या काम करती है, तो हमें लिक्विड को यहाँ पे क्या अप एंड डाउन दिखाती है, जैसे कि ये वाटर लेते हैं तो हमारा लिक्विड अप हो गई, मतलब एक तरह राइज हो गई, ठीक है, राइज हो गए, और जैसे मरकरी लेते हैं तो क्या होती है फॉल हो गए, ठीक है। तो यही कंडीशन को, यही फेनोमेनन को हम लोग एक तरह का क्या बोलते हैं कैपिलरिटी बोलते हैं, ठीक है, और ये ट्यूब को एक तरह का कैपिलरी बोला जाता है, ठीक है।
तो मुझे आशा है कि आपको कैपिलैरिटी के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आखिर में कैपिलैरिटी क्या होता है, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हो सके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।